तो यहाँ पर 250 रुपये में देख सकते हैं ये, और 255। हाँ ये और भाई साहब इतना देख के लगता नहीं मेरा वेट 54 है, इतना तो मेरा कबड्डी। सो हे गाइज, ब्लॉग में से हमें आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अपने घर में ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज, आज आपको लग ही रहा होगा कि हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए तो ऑब्वियसली कहीं जा ही रहे हैं। सो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर। तो आपको हमारे जो चैनल में है सरोजनी नगर का ब्लॉग मिलेगा, सरोजनी नगर में हम क्या क्या शॉपिंग करते हैं, क्या क्या वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही चीप रेट में कपड़े और ज्वेलरी और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम जा रहे हैं आज सरोजनी नगर। तो पीछे जो है सिया बैठी हुई है, और अभी टाइम जो हो रहा है 1 बज रहा है, 1 से भी ऊपर हो गया मुझे लगता है, और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देखिए सिया पीछे बैठी हुई है, सिया हेलो कर दो। हेलो। और ये महिंद्रा गाड़ी चला रहे हैं। गाइस, हम सरोजनी नगर मार्केट तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा मतलब पार्किंग फुल है कि हमें कहीं पार्किंग नहीं मिल रही। आप देख सकते हैं हर जगह गाड़ी गाड़ी खड़ी है, और इतनी गर्मी हो रही है ना, टू मच हॉट वेदर। हाँ महिंदर, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, निकाल ही नहीं पा रही है ये गाड़ी बेचारी, निकाल ही नहीं पा रहा। इतनी बड़ी गाड़ी ले रखी है अंकल जी ने, फॉर्चुनर, लेकिन निकाल नहीं पा रहे बेचारे। 4 सीटर ले लीजिए, इससे बढ़िया तो। सो गाइज, हम सरोजनी नगर मार्केट पहुंच गए हैं, और जैसे ही हम मार्केट में पहुंचे तो इतना ज़्यादा रश था कि हम अनएक्सपेक्टेड रश था, संडे था क्योंकि। गाइज, हम लोग जो है सरोजनी नगर मार्केट में आ गए हैं, और सरोजनी नगर मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। तो गाइज, जैसे ही हम सरोजनी नगर मार्केट में अंदर गए तो मेरी नज़र सीधा इन टॉप्स पे पड़ी, शिमरी टॉप्स, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये बिल्कुल मतलब मेन बात है, ये जो टॉप है ना, इनमें कलर्स इतने सुंदर सुंदर कलर्स थे, तो इनके जो सारे कलर्स थे ना मुझे बहुत ही सुंदर लगे। ये मुझे ब्राउन कलर भी बहुत ही प्यारा लगा, और मेरी डॉटर को ये जो मैंने निकाला था ये बॉटल ग्रीन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा। और इसके नीचे ना मतलब आप ना जीन्स पहन सकते हैं हाई वेस्ट की, और बहुत ही ज़्यादा आप मतलब लगा लीजिए 250 में, मतलब आपको यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर टॉप्स अवेलेबल थे। और साथ में ना यहाँ पर ड्रेसेस भी थी, जो जैसे कि आप सब जानते हैं कि समर आ रही है, तो 250 में आपको यहाँ पर समर ड्रेसेस भी अवेलेबल थी। फ्रेंड्स, जैसे हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पर हमें H&M, आप सब जानते होंगे H&M ब्रांड कितना फेमस है, और H&M ब्रांड की इतनी सुंदर सुंदर कलरफुल टी शर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल थी ओनली 200 रुपीज़ में। सो मैंने उनसे पूछा भी कि ये क्या रियल H&M है, तो वो बोल रहे थे कि हाँ इसमें कुछ कुछ पीस जो है रियल H&M के भी हैं। तो मैंने देखा भी, और रियल में उनके जो टैग्स है ना वो ओरिजिनल टैग्स है। सो अगर आप ओरिजिनल मतलब आप भी अगर H&M अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप भी सरोजनी में आके ना H&M की टी शर्ट्स ले सकते हैं। और टी शर्ट्स भी इतनी मस्त मस्त टी शर्ट्स थी ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टी शर्ट्स थी। और आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी मैंने कलर्स देखे वो सारे ही अमेजिंग कलर्स थे, और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन थे और अच्छे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए वाइट कलर का कितना ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा था ये वाला, बहुत ही अमेजिंग था। सो गाइज, यहाँ पर 100 रुपीज़ में बहुत ही सुंदर और मतलब अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर कैप्रीज अवेलेबल थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन से कलर्स है, और बहुत ही देखिए वाइट वाला ज़्यादा कितना ज़्यादा स्टैटिक लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें लाइट कलर्स भी अवेलेबल थे। सो यहाँ पर सिया ने जो है देखा भी था, एंड आगे जाके हमने देखा कि 200 रुपीज़ में, आप खुद सोचिए कि 200 रुपीज़ में कपड़ा भी नहीं आता है एक सूट का, तो यहाँ पर 200 रुपीज़ में आपको इतने सुंदर सुंदर से कलर्स, यहाँ पर प्लाजो का पूरा सेट यहाँ पर मिल रहा था, विदाउट दुपट्टा था, लेकिन कलर्स इतने सुंदर सुंदर थे कि बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स, मतलब अगर आप लेना चाहें तो 1000 रुपीज़ में आपके पास 5 पेयर प्लाजो सूट्स अवेलेबल यहाँ पर थे। और कलर्स मेरे को सारे बहुत बढ़िया लगे, सिया ने जितने भी देखे थे पिंक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, सारे मस्त थे। और जो ये शॉप है ना रेबिन, इसके सामने ही एक ये देखिए 100 रुपीज़ में डेनिम,
आप खुद सोचिए, सरोजनी में 100 रुपीज़ में डेनिम अवेलेबल होता है और वो भी ब्रांड के साथ। और यहाँ पर जितने भी ये आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर जो है ये लूज लूसी जो जीन्स की शर्ट्स हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि आजकल फैशन में है ये बहुत ज़्यादा। तो ये सारा जितना भी सामान था ओनली 100 रुपीज़ में अवेलेबल था। सो हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें यहाँ पर बहुत ही सुंदर से एयरिंग्स दिखे। आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई कितनी सुंदर लग रही है, ओनली 50 रुपीज़ की ये बटरफ्लाई यहाँ अवेलेबल थी। जबकि आप मीशो में भी अगर आप देखते हो तो ये थोड़ी कॉस्टली उसमें मिलती हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं आजकल कितना ट्रेंड में चल रही है कोरियन क्लिप्स वगैरह, तो यहाँ पर जितने थे कोरियन क्लिप्स की बहुत सारी वेराइटीज थी साइट्स जो साइट्स में लगाते हैं। सो बहुत सुंदर यहाँ पर था। और आगे जाके जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 250 में दोबारा से हमें जो है बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर टॉप्स अवेलेबल थे। और जो टॉप थे वो मतलब उनका कपड़ा, जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत ही लाइट कलर्स यहाँ पर अवेलेबल थे, डार्क कलर्स नहीं थे, लाइट कलर्स में बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन अवेलेबल थे और अच्छा था। तो आजकल जो सरोजनी में है काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रखा है लाइट कलर्स का, जैसे समर को ध्यान में रखते हुए, और बहुत अच्छा है। और कपड़ा भी इसका अच्छा था, ऐसा नहीं था। और साथ में यहाँ आप ये ड्रेस देख सकते हैं, सिया को ये वाली ड्रेस बहुत पसंद आई थी। सो यहाँ सिया ने उसको ट्राई भी करके देखा था, थोड़ी सी लंबी थी इसलिए सिया ने लिया नहीं, अदरवाइज नहीं तो कॉस्ट के हिसाब से बहुत सही ड्रेस यहाँ पर अवेलेबल थी। और आप देख सकते हैं कि सरोजनी में इतना ज़्यादा रश था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लोग मतलब ऐसे भर भर के ले जा रहे थे सामान जैसे कि वहाँ फ्री में मिल रहा होगा। सो आप देख सकते हैं कि मतलब टाइम हो रहा था 2 बज रहे थे, 2 ढाई बज रहे थे, इतना ज़्यादा रश था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और ये मैं हूँ यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं। सो आगे हम गए और इतने यूनिक यहाँ पे इयररिंग्स मिले थे। सो आप देख सकते हैं जो ऊपर की लाइन थी और जो उसके नीचे वाली लाइन है वो 100 रुपीज़ की थी, और जो सबसे नीचे वाली ये देख सकते हैं आप लाइन थी वो 50 रुपीज़ की थी। और ये जो इयररिंग्स है ना, ये मुझे लगता है हैंडमेड इयररिंग्स थे, ऐसे इयररिंग्स मैंने पहली बार देखे, बहुत यूनिक। जैसे कि कई लोगों को मतलब फैशन का मतलब होता है शौक, उनके लिए बहुत बेटर था। सो ये जितने भी आप पर्स देख रहे हैं ओनली 250 रुपीज़ में थे, और कोई भी आप यहाँ पर पर्स ले सकते थे। सो यहाँ पर आप देखिए महेंद्र ने और सिया ने फिर दोबारा से जो है यहाँ पर जीन्स की शर्ट्स वगैरह ट्राई करी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। तो इसका प्राइस ओनली 200 रुपीज़ था। सो सिया को फाइनली एक जीन्स पसंद आई थी, आप देख रहे हैं रिप जीन्स इसे पसंद आई है, और इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम था, ओनली 200 रुपीज़ में जीन्स अवेलेबल थी। सो ये जो जीन्स है बहुत अच्छी है, मैं आपको इसको नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखाऊँगी। एंड हम आगे गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितने सारा मतलब यहाँ पर एसेसरीज़ मिल रही थी, और ये नेल पेंट सिया को पर्पल कलर की बहुत पसंद आई थी, और अभी वो ये वाली नेल पेंट भी ट्राई कर रही थी। और जो ये नेल पेंट का प्राइस था ओनली 50 रुपीज़ था, तो हमें 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा महंगा लगा, सो हमने लिया नहीं। एंड आगे जाके हमने देखा ओनली 150 रुपीज़ में आपको यहाँ पर कोरियन स्टाइल स्कर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल थी। सो यह चेक वाली स्कर्ट सिया को बहुत पसंद आई थी, तो मैंने अलग निकाल के रखवा दी थी। और भी मैं स्कर्ट्स यहाँ पर देख रही थी बट लेकिन मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी, मुझे जो सिया ने पसंद करी थी चेक वाली वो ज़्यादा बेटर लगी। सो हमने वो देर ना करते हुए हमने वो स्कर्ट खरीद ली 150 रुपीज़ में, बहुत ही ज़्यादा मस्त डील थी वो। और ये देखिए मैंने एक स्कर्ट और देखी थी बट मुझे थोड़ा डल लगा इसका कलर, और इसके आगे जो है बटन दे रखे थे। वैसे 150 रुपीज़ में कुछ आता नहीं है, और बहुत अच्छा यहाँ पर जो है स्टाइलिश यहाँ पर स्कर्ट्स अवेलेबल थी। सो उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए, अभी जो है आगे जाने के बाद हमें इतने सुंदर सुंदर आप देख सकते हैं ये जो पजामा है ये कितना सुंदर लग रहा है, आजकल फैशन में काफ़ी चल रहा है। तो यहाँ पर जो इसका कॉस्ट था ओनली 150 रुपीज़ था, और अच्छा था ये पजामा, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे। दैन फिर आगे हम गए दोबारा से, हमें बहुत ज़्यादा लूज़ टी शर्ट्स दिखी, और इसका जो कॉस्ट था ओनली 200 रुपीज़ था। मेन बात है जो ये टी शर्ट्स थी इसके पीछे जो है लिखा हुआ भी था, तो सिया को इस टाइप की ही जो थी टी शर्ट्स वो देख रही थी कि जिनके ऊपर मतलब वो उसको ओवर साइज जो है टी शर्ट्स बहुत पसंद आती है। एंड हम उसके बाद थोड़ा सा और आगे गए, देन हमको यहाँ पर मिले बहुत ही सुंदर सुंदर इयररिंग्स, आप देख सकते हैं, और इसका कॉस्ट ओनली 100 रुपीज़ था, और 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो था इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त थी। और ये जो ब्रेसलेट थे वैसे अगर हम और साइट्स में लेंगे तो वैसे 250 तक हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ओनली 100 रुपीज़ में यहाँ पर ये अवेलेबल था। सो सिया यहाँ पर ट्राई कर रही थी और काफ़ी अच्छा था, सिया को थोड़ा टाइट हो रहा था सो सिया ने ये लिया नहीं। देन उसके बाद हमारी जो शॉपिंग है फिर हो चुकी थी। सो गाइस अभी जो है
हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग करी, मैंने नहीं करी है, सिया ने शॉपिंग करी है, तो यहाँ पर ना एक वेट नापने का भी है नीचे, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अपना वेट नपाया जाए, तो देखते हैं मेरा और सिया का कितना वेट होगा, है ना सिया? नपाना बताओ। 50-50 होगा। तो चलो ठीक है, हम अपना वेट नाप के देखते हैं हमारा वेट कितना है। भाई साहब इतना देख के लगता नहीं मेरा वेट 54 है, इतना तो मेरा कबड्डी इतना तो तो सिया का है 53.85। सिया आपका वेट तो मुझसे कम है, वैसे लगता नहीं है। हाँ मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मेरा जो मैंने मुझे नहीं पता था कि सिया का वेट जो है मुझसे, मैं वेट ज़्यादा समझती थी सिया का। सो गाइज यहाँ पर जो है 350 के ये इतने सुंदर सुंदर कुर्ते यहाँ पर अवेलेबल थे, पटरी पे लगे थे लेकिन थे बहुत अच्छे और ये भी डिनर मिल रहे थे। तो गाइज यहाँ पर जो है सिया ने मोमोज खा लिए थे क्योंकि यहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और मैंने नारियल पानी पी लिया था और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। सो गाइज हम सरोजिनी नगर के मार्केट से आ गए हैं शॉपिंग करके, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, सिया ने ही शॉपिंग करी अपने लिए, तो हम आपको घर जाके दिखाएंगे कि सिया ने क्या ख़रीदा है। तो मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग, ठीक है, उसने अपने काम की चीज़ें खरीदी हैं और अगर आपको हमारा ये तो अगर आपको हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आए सरोजिनी नगर वाला, सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।